डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का मार्केट अगर हम देखेंगे तो प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ था, R1 प्रीवियस डे हाई के बीचों बीच, और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल क्या बना था, ग्रीन कैंडल। तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ग्रीन होने की वजह से संभावना ये था कि ऊपर की ओर ही जाने का संभावना है, ठीक है। तो खुला था R1 प्रीवियस डे हाई के बीचों बीच, ये एक कंसोलिडेशन का निशानी रहता है। अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो R2 लेवल, और नीचे की ओर ब्रेक करता है तो CPR लेवल ये रहता है। तो नीचे की ओर एक भी बार ब्रेक नहीं किया, जो ब्रेक किया ऊपर की ओर ब्रेक किया। और दूसरा, जो ये वायलेंट मूव आया है सेकेंड हाफ में, जो बड़ा मूव आया है, उसके पीछे दो लॉजिक है। एक तो ट्रेंड रिवर्सल CPR, क्योंकि आप देख रहे हो डिसेंडिंग CPR था, आज डिसेंडिंग CPR है। अगर वो R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है तो वन वे ऊपर की ओर भागता है। ये मैंने कई बार बोला हुआ है ना कि डिसेंडिंग CPR है, और अगर वो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म कर देता है। तो आज ट्रेंड रिवर्सल CPR भी था और आपको R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर का मूव भी था। तो दोनों तरफ का जो मूव आया है वो मार्केट को वन वे ऊपर की ओर ले गया है। तो ये जो कैंडल था जो R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है, तो इस समय हमको कंफर्म हो जाना था कि जो कैंडल का क्लोजिंग है वो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर है। तो यहाँ पे R2 लेवल तो नॉर्मली हमारा टारगेट रहता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल भी हो गया। तो ट्रेंड रिवर्सल होने की वजह से डबल तेजी से मार्केट गया है। अब हम कल का मूव देख लेते हैं। तो कल का मूव देखने से पहले हम क्या करते हैं कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड को समझते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे मंथली CPR में। अब मंथली CPR में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा जो है मंथ के एंड होने से पहले ये जो लेवल जाएगा, शायद आप लोग को याद होगा कि मैंने बोला था 23,777 इस महीने का टारगेट रहने वाला है। तो ये कल के डेट में हो सकता है आपको देखने को मिलेगा 23,777। और यहाँ पे अगर हम सेटअप देखेंगे तो R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग था, इसका मतलब जाना था इसको R2 लेवल, और VWAP का लाइन कंटिन्यूअसली ऊपर ही था। तो VWAP का लाइन जब 20 EMA के ऊपर है और कंटिन्यूअसली ऊपर है, और ये R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है, मतलब ट्रेंड ओवरऑल अप ही था। एक दो दिन ट्रैप किया है लोगों को, बट ओवरऑल ट्रेंड जो था वो अप ही था। और जो कल का लेवल हम देखने को देख सकते हैं वो है 23,777। अगर हम वीकली बेसिस पे देखते हैं तो वीकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो वीकली बेसिस पे नेरो CPR का फॉर्मेशन था, और ये जो कैंडल है ये करीब 12:15 पे क्लोज हुआ है। ये कैंडल R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोज हो गया है। तो जब R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोज हुआ है तो यहाँ आप देख सकते हो कि VWAP का लाइन 20 EMA के ऊपर है। तो ये भी कंडीशन बोल रहा है पॉजिटिव है, और ये R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर चला गया है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो कल जो आपको लेवल अल्टीमेट लेवल देखने को मिल सकता है वो 23,792 का रहेगा। तो जो भी अगर थोड़ा बहुत गिरावट आएगा तो उसमें ये देखना कि रिवर्सल प्लान करना। अगर मान लो थोड़ा बहुत भी गिरावट आता है तो ये देख लेना कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे रुकने के बाद फिर से वो ऊपर की ओर टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ऊपर की ओर टर्न लेने की कोशिश करेगा ऊपर की ओर ही चला जाएगा। और अगर गैप अप खुल गया तो ये जरूर ध्यान देना कि 23,800 के लेवल पर बिकवाली आएगा, 23,792 इस लेवल के पास जाके अटकेगा मार्केट। वहाँ से हो सकता है अगर गैप अप ही खुल गया उसी लेवल पे तो वो ऊपर से ही बिकवाली आ जाएगा। अगर नीचे आता है तो नीचे से टर्न होकर फिर ऊपर की ओर चला जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अब यहाँ पे कल के लिए कल का क्या सिनेरियो रहेगा, अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल मान लो फ्लैट ओपन होता है, आज का जो क्लोजिंग लेवल है उसी के आसपास होता है, और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल रेड बनता है तो वो CPR पे आएगा और CPR से टर्न लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा अगर नीचे आता है तो। और अगर फर्स्ट कैंडल ही ग्रीन बन जाता है और ग्रीन बन के ऊपर की ओर मूव होता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है 23,796। कल उसको तोड़ना मुश्किल है क्योंकि वो मंथली वाला टारगेट भी हिट हो चुका रहेगा, वीकली टारगेट भी हिट हो चुका रहेगा, और इंट्राडे टारगेट भी हिट हो चुका रहेगा, ठीक है। तो कल के लिए ये सिनेरियो है। तो कल थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है 23,796, वहाँ पे आप लोग अगर मान लो कोई पोजीशन बना कर रखें तो कोशिश करना कि एग्जिट कर लेने का है, वहाँ पे रिस्क मत लेना क्योंकि वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और नीचे की ओर अगर खुल के नीचे की ओर आता है तो CPR से सपोर्ट लेके वापस बाउंस होगा,
हाँ, आज का मूव एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल वो आर वन प्रीवियस डे हाई के बीचों बीच ओपन हुआ, और उसके बाद ये आर वन प्रीवियस डे हाई के नीचे एक भी बार नहीं आया, ऊपर ही था। और अगर हम देखेंगे तो ये वीवैप से ही लगा हुआ था बार बार, और ये तो हमारे लिए न्यूट्रल जोन होता है, या रेजिस्टेंस जोन हम एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारे लिए नो ट्रेड जोन है, इस बीच में जब तक था तो हमको ट्रेड नहीं लेना था, ठीक है ना। जब इसके ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हो गया तो हमको कन्फर्म हो गया। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो वीकली ट्रेंड अप था, मंथली ट्रेंड अप था, और इंट्राडे में जैसे ही आर वन प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेक किया तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर भी है, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है, और डिसेंडिंग सीपीआर में अगर आर वन प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल भी है। तो डुअल इम्पैक्ट आया। तो जो तेजी से मार्केट मूव किया ना, उसका रीजन दो था। एक तो था कि आर वन प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया तो आर टू जाएगा नॉर्मली, और दूसरा था कि ट्रेंड रिवर्सल का भी यहाँ पे मिक्सचर था, इसीलिए जो मूवमेंट आया सेकेंड हाफ में वो बहुत फास्ट आया। तो ट्रेंड रिवर्सल होने की वजह से ये फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिला है। अब कल के लिए यही लेवल रहने वाला है, नीचे की ओर आता है तो सीपीआर लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाएगा अगर खुलता फ्लैट है तो, और अगर खुल के पहले ही ग्रीन कैंडल बनता है और ऊपर जाता है तो ऊपर में 23,796 या फिर सीधा सीधा 23,800 को रेजिस्टेंस मान लीजिए, उसको ब्रेक करना मुश्किल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मंथली टारगेट भी पूरा हो जाएगा, वीकली टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो वहाँ पे जब दोनों टारगेट पूरा हो जाएंगे तो वहाँ से पलटने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो कल का मार्केट सिनेरियो क्लियर है? Yes, sir. ट्रेंड निकालना पता चल गया कि ट्रेंड क्या है ओवरऑल? अप ट्रेंड है, है ना। तो ट्रेंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है डेली कैंडल स्टिक, जिसमें मंथली सीपीआर आ जाता है। अब कैंडल का नाम था ना एक्सपीरियंस ईयर का बॉडी बल को क्लिक करें तो पूरे अंदर जो हाँ वीवैप का लाइन 20 ईएमए के ऊपर था, मतलब ट्रेंड अपवर्ड था, और यहाँ पे हम देखेंगे तो आर वन प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर था, तो दोनों तरफ से कंफर्म था कि ट्रेंड अपवर्ड है मंथली बेसिस पे। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। हाँ ठीक, वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। तो वीकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो वीवैप का लाइन 20 ईएमए के ऊपर था, यस सर, सीपीआर के ऊपर था, तो ये भी ट्रेंड अपवर्ड था, और जैसे ही ये आर वन प्रीवियस वीक हाई के ऊपर ब्रेक हुआ ऊपर की ओर वन वे मूव आ गया। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपन होने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कीजिए, आपको हमारा कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इंट्राडे में हम देखेंगे तो इंट्राडे में जैसे ही आर वन प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ, आर वन प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हुआ, वैसे ही ऊपर की ओर मूव आ गया, बिल्कुल सर, है ना। ओवरऑल ट्रेंड निकालना क्लियर हो गया? बिल्कुल नहीं, मेरे साथ आज प्रॉब्लम क्या हो गया जी, द होल ऑलमोस्ट 12:30 बजे तक इट वाज बिटवीन यस आर वन एंड प्रीवियस डे हाई, हां जी, तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद मैंने एक कैंडल क्रिएट किया। जी 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 राइट, तो प्रॉब्लम को एक वन सिंगल कैंडल जो ऊपर चले गया हाँ वन को तोड़ के जी वो भयंकर लॉस दिया मुझे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 10 लॉट थे मेरे कैंडल। जी 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 जी, तो आज मुझे पता चला कि जब प्राइस जो है आर वन एंड प्रीवियस डे हाई के बीच में है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो स्ट्रेडल ले सकते हो, उसके बाद ही लेना है। नहीं नहीं सर, उसमें मैं करेक्शन करूंगा, वो स्ट्रेडल के लिए ही जगह था, बट स्ट्रेडल बीच में नहीं बनाना था, शुरुआत से ही बनाना था। नहीं, शुरुआत में ही बना दिया तुमने? शुरुआत में बना दिए होंगे तो 45, हाँ 45 या 10 o'clock किया था। ठीक है ठीक है, वो स्ट्रेडल आपका सही था, गलत नहीं था, वाइडर सीपीआर भी था, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक किया ना, हमको क्या करना था कि जो कॉल साइड का जो पोजीशन था स्ट्रेडल में, शॉर्ट स्ट्रेडल था ना, तो कॉल जो सेल किए थे वहाँ से एग्जिट करना था, पुट को होल्ड रखना था। मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला था कॉल वाले पे, मेरे को वो पुट वाला, यू नो, इट वुड हैव गॉन। हाँ
ठीक है, तो इसमें सीधा सा डिसिप्लिन है कि आर वन प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ, मतलब मुझे उस डायरेक्शन वाला जो भी पोजीशन है वो एग्जिट कर देना है, है ना। और इसमें ट्रेंड रिवर्सल भी था क्योंकि ये डिसेंडिंग सीपीआर है, डिसेंडिंग सीपीआर के बाद अगर आर वन प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो ट्रेंड रिवर्सल भी है, इसीलिए जो मोमेंटम आया फास्ट आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी, बस इतना ही ध्यान रखना है। जी जी जी, वन मोर क्लैरिफिकेशन, आपके इसमें ये वीवैप दिख रहा है मुझे, लेकिन मेरे ट्रेडिंग व्यू में वीवैप लगता नहीं, बिकॉज़ देयर इज नो वॉल्यूम पूल में। नहीं, एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू डज नॉट अलाउ मोर देन टू इंडिकेटर्स, यू माइट हैव पेड वर्जन है, फिर तो होना चाहिए, मेरा भी तो सेम है। ओके, आई विल आस्क नीरज जी टू कॉन्टेक्ट यू एंड ही विल सॉल्व योर, ही विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी, श्योर। थैंक यू सो मच। दर्शन जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। सर, ये पूछना था मुझे, ये आपने जो बोला वीवैप का लाइन, मतलब 20 एमए इज अबव वीवैप, वो पॉजिटिव है जी, तो मतलब अभी तक मेरा पूरा कोर्स पढ़ के, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, आई अंडरस्टूड। अगर हम मंथली सीपीआर देख रहे हैं, है ना, वन डे का कैंडल मतलब मंथली सीपीआर, अगर मंथली सीपीआर देख रहे हैं तो अगर वीवैप का लाइन 20 ईएमए के ऊपर है तो पॉजिटिव है। अगर वीकली सीपीआर देख रहे हैं, वीकली सीपीआर देख रहे हैं तो अगर वीवैप का लाइन 20 ईएमए के ऊपर है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इंट्राडे सेटअप देख रहे हैं तो अगर वीवैप के लाइन 20 ईएमए के ऊपर है, मतलब वो समझ जाना कमजोर है। जब 20 ईएमए वीवैप के ऊपर निकलता है तो वो पॉजिटिव होता है, इंट्राडे में बस अपोजिट है। अच्छा, हाँ, वही मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ, देख लीजिए आप, जो 20 ईएमए जब तक नीचे था तो मार्केट में परेशानी हो रहा था, जैसे ही ये ऊपर गया वन वे मोमेंटम आ गया। हाँ, है ना, तो इंट्राडे में जस्ट अपोजिट है, तो इंट्राडे में 20 ईएमए हैज टू बी अबव वीवैप, देन इट इज अबव वीवैप पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। हाँ, और उसका अपोजिट बाकी हायर टाइम फ्रेम में। हाँ, उसका अपोजिट, जैसे अगर आप 1 आवर का कैंडल लगाते हैं तो वीवैप के अगर नीचे में 20 ईएमए है, मतलब वो पॉजिटिव है। और मंथली में भी वीवैप के नीचे में अगर 20 ईएमए है तो पॉजिटिव, मतलब वीवैप का लाइन ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। तो हायर टाइम फ्रेम पे उल्टा हो जाता है, इंट्राडे पे उल्टा हो जाता है। तो इंट्राडे में हमको ये देखना है, अगर 20 ईएमए वीवैप के ऊपर निकल गया, मतलब समझ लो कि ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आएगा। 1 मिनट का कैंडल यूज कर सकते हो एंट्री के लिए, ये आपको बेस्ट एंट्री देगा। अगर मैं इसी को 5 मिनट कर दूंगा ना तो आपका एंट्री लेट हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 मिनट कर देता हूं तो 5 मिनट में क्या है कि एंट्री बहुत लेट मिलेगा, लेट मिलेगा मतलब आप इस कैंडल पे पकड़ोगे 203 पे, और अगर मैं इसको 1 मिनट करता हूँ तो 182 पे मिलेगा। तो आपको 182 पे अच्छा लगेगा कि 203 पे अच्छा लगेगा बाई करने में, है ना। ठीक है, तो रीजन वो है कि आप मूव को पहले कैप्चर कर लो, और ऑप्शन के प्राइसिंग का चार्ट ही लगाना है, है ना, कॉल ऑप्शन हो पुट ऑप्शन हो, सेलर है तो पुट में सेल कर सकते थे, है ना। जैसे ही सारा वीवैप के लाइन के नीचे आ गया सारा ईएमए और एक अच्छे एंगल के साथ, हमको सेल साइड में ही जाना था। और अगर बड़ा पिक्चर भी देखते तो ये सीधा सीपीआर के नीचे था, और सीपीआर के नीचे और S1 प्रीवियस डे लो उसके नीचे ही था, तो संभावना तो नीचे ही था, पुट को गिरना ही था, क्योंकि हमारा बड़ा पिक्चर तो अप ट्रेंड में था ना, मंथली सीपीआर अप ट्रेंड में था, वीकली सीपीआर अप ट्रेंड में था, तो इंट्राडे में हमको अप ट्रेंड का जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी का किन का क्वेश्चन था, अब्दुल भाई आपका क्वेश्चन था ना। हाँ अब्दुल भाई, तो एक बार इसका हम ट्रेंड देख लेते हैं मंथली सीपीआर के हिसाब से। पहले मंथली सीपीआर के हिसाब से इसमें बड़ा मूव आ गया है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो नेरो सीपीआर था मंथली बेसिस पे, वीवैप का लाइन 20 ईएमए के ऊपर है, और R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर था कैंडल, मतलब ऊपर तो जाना ही था। आज भी देखोगे तो जो कल का क्लोजिंग था वो स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग था, वो भी R2 के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग था, तो ये R3 की तरफ जाना था। तो बैंक निफ्टी तो सुपर बुलिश था ही मंथली बेसिस पे। अब आ जाते हैं 1 आवर के बेसिस पे,
तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो प्राइस है वीवैप, वीवैप का लाइन 20 EMA के ऊपर हो गया था जी, है ना, तो ये अभी भी है। तो ये बैंक निफ्टी में जो कल 53,224 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है जी सर। और अगर हम इंट्राडे सेटअप देखेंगे तो इंट्राडे सेटअप में भी ट्रेंड रिवर्सल CPR कंफर्म हमारा इसी समय हो गया था जब ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, तभी से ट्रेंड रिवर्सल था। तो नॉर्मली R2 पे रिजेक्शन होता है, तो आप देख लो यहाँ पे R2 से गिरा है और अच्छा खासा गिरावट है। अगर आप देखोगे तो ये R2 लेवल को टच करके अच्छा खासा गिरावट दिया है। मैं खुद मतलब मैं तो निफ्टी में R2 लेवल जब पहुंचा था ना तब सेल किया था, तो मैं इतने ही मूव को कैप्चर किया था, मैं भी 3 ही कैंडल को कैप्चर किया था क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल CPR था, तो ट्रेंड रिवर्सल CPR में वायलेंट मूव आ जाता है ना, तो ये ध्यान रखना था। तो आपका 20 EMA का लाइन VWAP के ऊपर था, ये भी पॉजिटिव सिग्नल था, हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव था और ट्रेंड रिवर्सल भी था, इसीलिए बड़ा जो बैंक निफ्टी मूव आया ना वायलेंट मूव वो उसी वजह से आया। तो कल जो रहेगा लेवल वो 52,986, मतलब ये इस लेवल पे भी रेजिस्टेंस फेस करेगा कल। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो 53,200 का लेवल देखने को मिल सकता है, ये लेवल कल ही सर, कल ही अगर वे अगर ये मान लो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके अगर रेड कैंडल बनता है तो ये CPR से सपोर्ट लेके टर्न करेगा, है ना, तो टर्न करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रेड कैंडल बन रहा है और आप बीच में एंटर कर गए, क्योंकि मैंने बोला है, मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के रिवर्स होगा, है ना, रिवर्सल जब तक कंफर्म नहीं होगा आप बाइंग साइड में नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन 80-90% ये प्रोबेबिलिटी है अगर नीचे आता है तो CPR से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये मंथली वाला टारगेट जो है वो शायद अभी टच नहीं किया है, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, है ना, तो चांसेस है कल जा सकता है ऊपर, है ना। अच्छा, तो ट्रेंड ओवरऑल अप है मंथली CPR में, वीकली में अप है, इंट्राडे में भी एसेंडिंग CPR का फॉर्मेशन है, मतलब ट्रेंड अपवर्ड है, तो कहीं कोई वीकनेस का सिग्नल अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।